महिला की सुरक्षा को सर्वोपरि बताने वाली बीजेपी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसकी वानगी मऊ में देखने को मिली। जब शौच के लिए अपनी भाभी के संग निकली एक नाबालिग को कुछ मनचले उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन दोनों ने बहादुरी के साथ मनचलों का मुकाबला करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों से भी मनबढ़ मनचले झगड़ने लगे, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों की भीड़ बढ़ी, मनचले मौके से भाग निकले। पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना 100 नंबर पर दी, लेकिन पुलिस गांव में पहुंचकर अपना कोरम पूरा कर चलती बनी। इस पूरे मामले की तहरीर पीड़िता और उसके परिवार ने थाने पर तो दे दी है, लेकिन योगी सरकार की लचर पुलिस ने लड़की का मुकदमा दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। हम गए थे शौचालय बाहर 7:30 बजे के समय, और हम भाभी थे और उधर से हम लोग लौटे, और वहाँ पे दो लोग थे और हमको, हम पीछे थे और भाभी थोड़ा आगे थी, तो हमें, हमारी भाभी को हटाकर और हमें जबरी से पकड़ रहा था और पटकने की कोशिश किया, और हम छुड़ा कर वहाँ से हम लोग चिल्ला कर भागे, तो सारे जनता लोग जुटे तो वो गाली गलौज करने लगा। तुम्हारा तहरीर पुलिस में दर्ज हो गया? हाँ हो गया, रात में हम लोग आए थे, तहरीर थी 10:30 बजे करीब। वहीं इस पूरे मामले में मीडिया ने अपर पुलिस अधीक्षक शिवाजी शुक्ल से बात की, तो अपर पुलिस अधीक्षक भी मामले में लीपापोती करते नजर आए। पीड़िता के हिसाब से उन्होंने आरोपियों के खिलाफ रात में ही लिखित तहरीर थाने में दे दी थी, लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक की माने तो पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया है। लेकिन अभी तक वो थाने नहीं पहुंची, मैंने अभी थाने से पता किया है, और ये भी बताया कि जरा थाने उस गांव से पता कराऊं, अगर कहीं ऐसा मामला है तो उसको बुलाकर उसका मुकदमा तत्काल करने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो महिला सुरक्षा पर योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी की पुलिस छेड़खानी जैसे मामलों में केस दर्ज करने में हीला हवाली करती है। ऐसे में प्रदेश में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ आई के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।